नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे विषय की जानकारी देंगे जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम आज आपको बताएंगे कि वृश्चिक राशि में स्थित गुरु का शुभ व अशुभ फल कैसा रहेगा गोचर में इन 12 राशियों के ऊपर, मेष से लेकर के मीन तक। जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बड़े ही ज्ञानी हैं। गुरु हमें हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। गुरु हमारी कुंडली के अंदर 5 भावों के कारक होते हैं और 2 राशियों के स्वयं स्वामी होते हैं, यानी कि 7 चीज़ों को तो सीधा सीधा गुरु प्रभावित करते हैं। गुरु हमें सही और बुरे की पहचान कराते हैं, इसलिए जो गुरु का जो काम है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और ज्ञानी है। इसलिए सभी 9 ग्रहों के अंदर यदि सबसे ज़्यादा अच्छा किसी को प्लैनेट माना जाता है शुभता के अंदर, तो है गुरु को माना जाता है। कैसा रहेगा आपके लिए फल, क्या देंगे आपके लिए शुभ संकेत इन 12 राशियों के लिए वृश्चिक राशि के अंदर। अभी इस समय गुरु मौजूद हैं वृश्चिक राशि के अंदर, अभी गुरु हैं। गुरु की 3 दृष्टि, पंचम दृष्टि तो मीन राशि के ऊपर रहेगी, उनकी स्वयं की राशि के ऊपर रहेगी। तो मीन राशि वालों के लिए तो वैसे भी सोचेंगे कि बहुत अच्छा करूं, और वृश्चिक में वो ऑलरेडी बैठे हैं जो कि मंगल की राशि है, उनके मित्र की राशि है। सप्तम जो दृष्टि उनकी जाएगी वह जाएगी वृष राशि के ऊपर। वृष राशि इनके शुक्र की आ जाती है, यानी कि वृष राशि का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। तो यहां वो मध्यम फल देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देंगे वृष राशि के ऊपर। और जो नवम दृष्टि है वह आती है उनकी कर्क राशि के ऊपर, और उच्च की दृष्टि आती है गुरु की। तो यहाँ पर गुरु उच्च का फल देंगे, यानी कि वृश्चिक में बैठे हुए गुरु का 3 जो दृष्टि उनकी 12 नंबर पर, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर जो पड़ रही हो वह काफ़ी अच्छी है, जिसमें से 2 तो उनके स्वयं, एक उनका मित्र है, दूसरा उनकी खुद की राशि है, और तीसरा जरूर उनका शत्रु है वृष, जिसमें वो थोड़ा सम का व्यवहार लेकर के चलेंगे। आइए अब हम सीक्वेंस में समझते हैं मेष राशि से लेकर के मीन तक। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वर्ष 2019 के अंदर गुरु का कब कब वक्री और मार्गी का जो भ्रमण है वह रहेगा। तो दोस्तों, 10 अप्रैल 2019 को गुरु वक्री धनु राशि के अंदर रहेंगे, उसके बाद 22 अप्रैल को फिर वो वृश्चिक राशि के अंदर वक्री हो जाएंगे, इसके बाद 11 अगस्त को वृश्चिक राशि के अंदर मार्गी होंगे, और अंततः 4 नवंबर को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा धनु के अंदर। तो यह मुख्य 4 परिवर्तन इस वर्ष गुरु के रहेंगे। अब इसमें से मैं आपको सबसे पहले वृश्चिक राशि के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, गुरु का वृश्चिक राशि के अंदर जो फल है वह 22 अप्रैल से लेकर के और 4 नवंबर तक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा 12 राशियों की, क्योंकि 22 अप्रैल को ये वक्री वृश्चिक में होंगे और उसके बाद 4 नवंबर तक इनका जो प्रभाव है वह वृश्चिक के अंदर रहेगा। तो इसलिए ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार जो गुरु हैं वह अष्टम स्थान में भ्रमण करेंगे। अष्टम स्थान के अंदर मृत्यु के भाव के अंदर, आयु के भाव के अंदर भ्रमण होने के कारण यहाँ पर इनकी जो दृष्टि है वह धन भाव के ऊपर आएगी। तो कहीं ना कहीं आय कम होना, खर्चे अधिक हो जाना, ऋण होना, रोग होना, घरेलू उलझने बढ़ना, कुछ इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वह आपके जीवन में देखने को मिलेंगी, क्योंकि अष्टम में बैठ के इनकी पंचम जो दृष्टि है वह आपके खर्च स्थान पर रहेगी, और जो सप्तम दृष्टि है वह धन पर रहेगी, और जो नवम दृष्टि है वह कहीं ना कहीं आपके मन पर पड़ेगी। इसलिए सुख साधनों से संबंधित चीज़ों के लिए तो अच्छा रहेगा, पर पैसा टिकेगा बिल्कुल नहीं, खर्च ज़्यादा होंगे जैसा मैंने अभी बोला, और इनकम कम होगी। यदि मैं वृष राशि की बात करूं तो वृष राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए गुरु सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। सप्तम स्थान में होने से ये यहाँ पर आपसे जो परिश्रम है वह ज़्यादा कराएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा,
कुछ बाधाएं आएंगी, पर उन बाधाओं को आप पार भी कर लेंगे और उनसे आप बाहर भी निकल जाएंगे। इसलिए जो आपके कार्य हैं वह सिद्ध होने लगेंगे। इसके अलावा धन लाभ का एक सुंदर यहाँ पर योग बनेगा, भाग्य की उन्नति का एक सुंदर योग बनेगा, और साथ ही साथ जो तीर्थ यात्राएं हैं उनके लिए भी आपके लिए समय बहुत उचित है। यदि मैं मिथुन राशि की बात करूँ तो यहाँ पर गुरु सिक्स्थ हाउस के अंदर भ्रमण करेंगे। छठे भाव रोग चोट बीमारियों का होता है और यहाँ पर मिथुन में होने के कारण इनका जो फल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शत्रु जो हैं आपको परेशान करेंगे, पर शत्रुओं पर विजय ज़रूर आपको निश्चित तौर पर हासिल होगी। कर्म भाव की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अपने लोगों से और ख़ास लोगों से आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ख़ास लोगों से विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कष्ट होने का एक योग बन रहा है। यदि हम बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए जो गुरु वह पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, पंचम भाव में भ्रमण करके भाग्य को देखेंगे, लाभ को देखेंगे, लगन को देखेंगे आपके, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ आपको अच्छा आएगा। यदि आप टीचिंग हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, आप जज हैं, आप बड़े पद पर आसीन हैं, तो आप सभी के लिए कर्क राशि वालों के लिए जो ये समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भूमि से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ आता है, वाहन से, ट्रैवलिंग से, या आपका टूरिस्ट का काम है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा, धर्म कर्म के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि मैं बात करूँ सिंह राशि की, तो दोस्तों आपके लिए गुरु की जो स्थिति है वह आपके मन के ऊपर रहेगी, आपके चतुर्थ भाव के अंदर गुरु विराजमान हो जाएंगे, और यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में वो बैठेंगे सिंह राशि के, वैसे भी वो मित्र होते हैं गुरु, तो यहाँ पर इनके लिए सुख साधनों के लिए समय बहुत अच्छा होगा, आपके प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा धन संबंधित, वाहन संबंधित, ज़मीन संबंधित जो अगर कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। कन्या राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए थोड़ा सा तनाव जरूर रहेगा। गुरु यहाँ पर आपके साहस में भ्रमण करेंगे, यहाँ पर गुरु आपके तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। तीसरे भाव में होने से जो आय होती है उसमें कमी हो जाती है, धन जो है वह इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं प्राप्त हो जाता है, हमारे जो अचानक खर्चे हैं, आकस्मिक खर्चे हैं वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए ये जो फैक्टर है इसमें ज़्यादा महत्व रखेगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन जाती है, थोड़ा सा पर पुरुष से, पर स्त्री से यहाँ पर विशेष सावधानी रखें तो ज़्यादा अच्छा है, पर वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभ में ज़रूर थोड़ी सी कमी होगी। यदि मैं बात करूँ तुला राशि की, तो आपके लिए धन भाव के अंदर गुरु आ जाएंगे, धन भाव में बैठेंगे तो सुंदर धन वृद्धि का योग बनाएंगे, इसलिए धन लाभ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर समय है। यदि पैसा रुका हुआ है तो उसको निकालने के लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी, आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने प्रियों का, अपने श्रेष्ठ जनों का, सभी का सहयोग मिलेगा। यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर घूमना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तुला राशि वालों आपके लिए जो ओवरऑल स्थिति अच्छी है, शत्रुओं पर भी आपको विजय होगी और साथ ही साथ मुकदमेबाजी पर भी आपको विजय हासिल होगी, तो यह जो स्थिति है ऐसी बन रही है। पर थोड़ा सा आपको मोटापे पर ध्यान रखना होगा, फैट आपका इंक्रीज होगा और आपको शुगर जैसी बीमारी कहीं ना कहीं लगने का योग बन रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि मैं वृश्चिक राशि की बात करूँ तो दोस्तों आपके लिए जो प्लेनेटरी पोजिशन रहेगी इसमें स्वयं आप ही के शरीर के ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा, आप ही की राशि में गुरु का प्रभाव रहेगा, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि लगन के कारकों के लगन में भ्रमण करेंगे, अपनी मित्र राशि के अंदर गुरु भ्रमण करेंगे तो आपको तो स्वाभाविक तौर से सभी कार्यों में विजय हासिल होने का सुंदर योग बनेगा। आपके तो खर्चों पर भी नियंत्रण होगा, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, आपको परिवारजनों का सपोर्ट भी मिलेगा, आपके लिए तो ओवरऑल स्थिति वृश्चिक वालों के लिए अच्छी रहेगी। पर शनि की 7.5 आप पे चल रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी यहाँ पर बना रहता है बराबर। यदि हम धनु राशि की बात करें तो दोस्तों आपके लिए आप ही की राशि से 12वें भाव में गुरु चले जाएंगे, तो धनु राशि के लिए द्वादश भाव में होने के कारण धन हानि का योग बनता है, बनते बनते जो काम होते हैं वह रुक जाते हैं, उनमें अड़चनें आ जाती हैं और शुभ कार्यों पर जो खर्चे हैं आपके वह ज़्यादा होंगे, इनकम के जो स्रोत हैं वह कम हो जाते हैं। यह जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं बनेगी। गुरु 12वें भाव में बैठ के जब अपनी राशि को पंचम दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, पर वही मैंने कहा कि खर्चे ज़्यादा होना, आय कम होना, और सप्तम दृष्टि से आपके रोग को देखेंगे तो रोग में वृद्धि करने का भी एक योग बनाएंगे। दोस्तों यदि हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर एक धन वृद्धि का योग बन रहा है, धन संपदा आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं मकर राशि वालों की बढ़ेगी, लाभ में बढ़ोतरी होगी, भाग्य उन्नति होगी, आपको अपने लोगों का सहयोग मिलेगा, नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा रहेगा,
कह सकते हैं हम कि मकर राशि वाले जो हैं उनको लाभकारी गुरु का फल अवश्य प्राप्त होगा। इनफैक्ट लाभ में रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, बड़े भाई बहनों का विदेशों से लाभ मिलना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार में लाभ मिलना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं बनेंगी। यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं मिल रहेगा। यहाँ पर आपको धोखा मिलने का योग बन रहा है, धोखा भी आपको अपने ही लोगों से मिलेगा। कुछ संकेत आपको ऐसे महसूस होंगे जैसे आपके जो रिलेशनशिप हैं वह खटास की तरफ जा रही हैं, कुछ इस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। परिवार के अंदर थोड़ा सा कलह होने का भी एक मुझे यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। मीन राशि वालों के लिए जो ओवरऑल स्थिति रहेगी वह काफ़ी अच्छी रहेगी, उसमें जो आपके बिगड़े हुए काम हैं वह बन जाएंगे, भाग्य वृद्धि होगी, पिता के साथ संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। आपको ओवरऑल यदि मैं इम्पैक्ट बात करूं तो यहां पर आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों यदि आप कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।